आज हम यहाँ पे कुछ इस तरीके की बिहाइंड टेक्स्ट एनिमेशन वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। आप भी ये वाली वीडियो अपने फ़ोन से बना सकते हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कैपकट एप्लीकेशन को। तो कैपकट एप्लीकेशन की मदद से कुछ इस तरीके की बिहाइंड टेक्स्ट वीडियो बनाना काफ़ी आसान काम है। तो इसके लिए गाइज आपको वीडियो को यहाँ पे पूरा वॉच करना है, जो भी आपको स्टेप्स बताऊँ सारे आपको फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर हम स्क्रीन पर आएंगे और यहाँ से हम एक VPN को यूज़ करेंगे, क्योंकि कैपकट को चलाने के लिए हमें VPN की ज़रूरत पड़ेगी। तो VPN हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं सुपर VPN। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप इजीली डाउनलोड कर लीजिएगा। देन यहाँ से हम VPN को कनेक्ट होने के बाद में अब हम ओपन करेंगे अपनी कैपकट एप्लीकेशन को। तो कैपकट एप्लीकेशन आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। वैसे इंडिया में ये रन तो नहीं है, तो प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल नहीं होगी, तो आप गूगल पर जाकर सर्च करके इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, ओपन करना है। यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। न्यू प्रोजेक्ट पे आने के बाद में आपको अपनी एक सैम्पल वीडियो यहाँ पे ऐड कर लेनी है। तो मैं भी यहाँ पे एक अपनी एक वीडियो ऐड करता हूँ। तो वीडियो ऐड करने के बाद में आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। लास्ट में आपको एक स्क्रीन मिलेगी एंडिंग वाली, तो इस वाली स्क्रीन को आपको डिलीट करना है यहाँ से। और यहाँ से जो आपकी लेयर है इस पर क्लिक करके हमें इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट करना है। डुप्लीकेट पे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, डुप्लीकेट हो जाएगा। डुप्लीकेट वाली लेयर पे हमें क्या करना है, इसको यहीं पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ओवरले। ओवरले करेंगे ये नीचे की तरफ आ जाएगी, और इस वाली लेयर को हमें बिल्कुल स्लाइड करके इसके बरोबर नीचे की तरफ शिफ्ट कर देना है। बस इतना सा काम यहाँ पर करना है। इसके बाद में हमें एड ओवरले पर करना पड़ेगा, और एक हमें यहाँ पर लिरिक्स का, ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स का हमें यहाँ पर एक वीडियो एड करना है। यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हो किसी भी सॉन्ग का, आपको ब्लैक स्क्रीन एक लिरिक्स वीडियो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा एक वीडियो है ये, तो इसको हम क्या करेंगे यहाँ पे स्प्लिट पे करके फ़िल्टर कर देंगे। तो यहाँ पे स्प्लिस पे हमें एक फ़िल्टर पे कर देना है इसका, यानी इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है। और इसके हमें अपने एडजस्ट कर लेना है किस तरीके से हमें अपने बैकग्राउंड में कहाँ पे हमारी बॉडी के किस जगह यहाँ पे हमें बैकग्राउंड पे सेट करना है इस टेक्स्ट वीडियो को। देन इतना यहाँ पे करेंगे और कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिल जाएगा। आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है, मिडिल में रखना चाहते हो, ऊपर रखना चाहते हो, वो आपके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। तो मैं अच्छे से यहाँ पे बिल्कुल सेट कर देता हूँ। देन इतना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा एक वीडियो खत्म हो रहा है। तो छोटा बड़ा आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कर लेना। इसके बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें बिहाइंड करना पड़ेगा, यानी टेक्स्ट को पीछे की साइड लाना पड़ेगा। तो हमारी मिडिल वाली लेयर है बीच में, जो हमने यहाँ पे ओवरले करी थी, उसको हम डुप्लीकेट बनाई थी, उस पर हम क्लिक करेंगे। और इसको आगे जाके यहाँ पर हमें रिमूव BG पे क्लिक करना है, और ऑटो रिमूवल हमें यहाँ पर कर देना है। ऑटो रिमूवल यहाँ पर अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है, ऑटो रिमूवल। तो इससे क्या होगा कि हमारी जो डुप्लीकेट लेयर थी उसका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और यहाँ से हम इसको डन करते हैं। अब ये तो बैकग्राउंड तो रिमूव हो चुका है, तो अब हमें अपनी टेक्स्ट लेयर पे क्लिक करना है यहाँ पे, और इस वाली लेयर पे क्लिक करेंगे। और यहाँ से जो हमारी टेक्स्ट वाली लेयर है इस पर क्लिक करके, और यहाँ पर हमें आगे की तरफ लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा यहाँ पर लेयर का, लेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हमें सेंड टू बैक कर देना है। ये आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है छोटा सा एरो, यहाँ पे क्लिक करना है, इसको सेंड टू बैक कर देना है। सेंड टू बैक होने के बाद में आपके टेक्स्ट वाली लेयर बिल्कुल आपके बिहाइंड चली जाएगी, और कुछ इस तरीके से आपको टेक्स्ट एनिमेशन वीडियो यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो काफ़ी आसान तरीका है। अब इसमें आपको थोड़ा सा लगे कि टेक्स्ट आपके बॉडी के कट रहे हैं, तो आप अपने टेक्स्टों को छोटा बड़ा कर लेना, अच्छी जगह आप इन्हें पेस्ट कर देना, अच्छी जगह आपको बॉडी पर एडजस्ट कर देना है जहाँ पर आपका टेक्स्ट कटे नहीं। बस इतना सा आपको ये ध्यान रखना है, और आपकी वीडियो यहाँ पर बन के रेडी हो जाएगी। तो जो भी आपको एक्स्ट्रा पार्ट है उनको आप यहाँ पे काट के अपनी एक वीडियो क्लिप को यहाँ पे रेडी कर लेना। तो मैं देखो टेक्स्ट यहाँ पे एडजस्ट कर रहा हूँ कि कहाँ पे हमारी बॉडी का पार्ट कट नहीं रहा, ताकि हमारे टेक्स्ट यानी बॉडी को काटे नहीं, और बिल्कुल प्रॉपर बैकग्राउंड की तरफ से हमारे टेक्स्ट यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो हो। तो काफ़ी अच्छा देखने में नज़र आ रहा है। तो टेक्स्ट आपको लिखने की यहाँ पर ज़रूरत है नहीं, आप काफ़ी सारी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पर मैच करना वगैरह, सॉन्ग के साथ मैच करना टेक्स्ट को। तो इसलिए आप यूट्यूब से डाउनलोड कर लेना लिरिक्स, ब्लैक स्क्रीन लिरिक्स लिख के जो आपको सॉन्ग पसंद हो। तो जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हम उसको यहाँ पे ट्रिम कर देंगे, और यहाँ से हम उसको कट कर देंगे। कट होने के बाद में ऑलमोस्ट हमारी एक प्रॉपर वीडियो हमारी यहाँ पे रेडी हो चुकी है। जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है डिलीट करेंगे, तो वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इसे क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक वीडियो आप पूरा यहाँ पर प्ले करके मैं आपको दिखा देता हूँ। काफ़ी आसान काम है, काफ़ी ईजी स्टेप्स में कर सकते हो। आपको वैसे वीडियो 4-5 मिनट का हो चुका है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा आप 1-1.5 मिनट में इस वीडियो को क्रिएट कर सकते हो एक बार समझने के बाद में। तो अब आपको इस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है, जो भी आपको बेस्ट लगे। म्यूट सॉन्ग्स कर देना आपको, जो भी ऑलरेडी आपके लिरिक्स के साथ सॉन्ग यहाँ पे आएंगे सही लिरिक्स वीडियो के साथ में, तो आपको सॉन्ग्स भी ऐड करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और अपने इस वीडियो को यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर लेना। काफ़ी कमाल की भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ये वीडियो, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो इसी तरीके की अगर आप और वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग हमारे सीखना चाहते हो इस चैनल पर, तो इस चैनल पर बने रहना, और इस चैनल को यहाँ पर ज़रूर सब्सक्राइब
कर लेना, ताकि आपको ऐसी वीडियो एडिटिंग एंड फोटो एडिटिंग के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वीडियोस मिलती रहे। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।